नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जी वी मिस्टर के एल नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ ओमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास। स्टूडेंट, आई विल प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर प्रोग्राम BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स फॉर सेम। माई सब्जेक्ट elective course landscaping। Students, today I am discuss about type of garden, informal design of garden। So let's start now discuss about layout of informal garden। First, English garden और सेकंड है जापानीज गार्डन। हम दोनों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। द इंग्लिश गार्डन के अंदर बात करते हैं। इंग्लिश गार्डन ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन सच एज द हाई एनुअल रेनफॉल, द नेचुरल ग्राउंड कवर इन इंग्लिश कंट्री साइड्स इज ए ग्रास। इसके अंदर बताया जो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से इंग्लिश के जो कंट्री साइड हैं इंग्लिश गार्डन के, उसमें एक नेचुरल टाइप से ग्रास को ग्रो करना किसकी वजह से, जो वहाँ की जो क्लाइमेट है हाई एनुअल रेनफॉल की वजह से है। इसमें द विद फिल्म द माइंड द फेमस ब्रिटिश गार्डन आर्किटेक्ट ड्रेप्टन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन एडोकेट द कंसेप्ट दैट द ब्रिटिश गार्डन शुड लाइक द कंट्री साइड। इसके अंदर बताया जो ब्रिटिश गार्डन की जो आर्किटेक्ट हैं, मतलब उसकी जो कला है, वह किसके थ्रू, जो एक फेमस किंग है मतलब राजा है ड्रेप्टन एंड कैपेबिलिटी ब्राउन के थ्रू, ये एक उसके माइंड में कुछ विचार था कि उसको एडवोकेट करना, मतलब उसको एक अवधारणा करना, कंसेप्ट करना, कंसेप्ट मतलब उसकी एक अवधारणा रखी गई है कि कैसे उसको जो गार्डन है उसको तैयार किया जाए। तो ब्रिटिश गार्डन शुड लाइक द कंट्री साइड, इसमें द मेन आइडिया वाज द गार्डन शुड मर्ज विद द कंट्री साइड विदाउट द आर्टिकल बेरियंस सच एज द फेंसेस हेज एंड लाइक और द लाइक। इसके अंदर बताया है जो ब्रिटिश गार्डन को, जो उनके जो कंट्री साइड मतलब ग्रामीण साइड्स में, ग्रामीण इलाके के अंदर उन्होंने जब वो एक आर्टिफिशियल बेरियन को तैयार किया, मतलब बिना आर्टिफिशियल बेरियन को बेरियन से, मतलब जो डिज़ाइन तैयार की थी इंग्लिश गार्डन की, उसके अंदर उसमें बताया कि उसमें कुछ इस टाइप से, मतलब हेज पेंस कुछ इस टाइप की बिना तैयारी की एक नेचुरल गार्डन तैयार करना। बट इट इज़ ओनली इन द 18th सेंचुरी दैट दीज टू जेंटलमैन along with Kant brought the touch of nature in the garden। इसमें बताया कि जो एक गार्डन की एक जो सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए जो नेचुरल डिजाइन बनाने के लिए उसे जो एक जेंटलमैन कैंट ने दो जेंटलमैन को ब्रॉड किया, मतलब लाया गया किसके थ्रू, along with the मतलब कैंट के थ्रू, जिससे इसमें बताया कि द ऑल दो द हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग द इंग्लिश बैक द डेट बैक ऑफ द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के आसपास में ये इंग्लिश गार्डन को की हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा बताया गया है। इसके अंदर उसी समय उसकी हिस्ट्री को लाया गया था। दे स्टार्ट द किचन गार्डन टू सप्लाई द वेजिटेबल टू इनमेट ऑफ द मोनेस्ट्री एंड ग्रीवी हर्ब गार्डन ऑफ द मेडिसिन। इसमें बताया जो मेडिसिन के लिए जो हर्बल गार्डन को ग्रो किया गया था, जब उसकी जो मोनेस्ट्री मतलब जो उसके मध्य और जो उसके मठ थे, मठ के जो जितने भी कैदी थे, कैदियों के लिए यह वेजिटेबल सप्लाई, मतलब वेजिटेबल की सप्लाई के लिए ये गार्डन तैयार किया गया था, जो किचन गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया कि बट
दिस ग्रेजुअली द इमीडिएट एंड स्प्रिंग द गार्डन टू द पीपल हु रियलाइज्ड द ग्रीन हाउस गुडनेस ऑफ द रेजिडेंस इन प्लीसेंट सराउंडिंग। इसमें बताया कि इसके कारण ही जो इसका सराउंडिंग एरिया है उसका एक प्लीसेंट एक सुखदायक के लिए रेजिडेंस मतलब गुडनेस बहुत ही एक बेस्ट गार्डन तैयार किया गया था। बाय द मिडल एंड द 16th century द इंग्लिश गार्डन सा फ्लावर बेड्स टॉफेरी एंड द टेरेस गार्डन। इसमें बताया कि जो लगभग 16th century के मध्य में के बीच में ये इंग्लिश गार्डन को जो साथ देखा था इंग्लिश गार्डन के अंदर जो कुछ लुक देखा फ्लावर बेड का टॉफेरी और इसके बाद जो टेरेस गार्डन के अंदर कुछ उनके अंदर लुक दिखाया गया। इन द मिडल ऑफ द 18th century द गार्डन वेयर द ले आउट द मोर एम्फेसिस एंड द आर्किटेक्चर फीचर द मेन फीचर ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड वेयर द कर्व पाथ इनफॉर्मल ग्रोव ऑफ ट्रीज रिवलर्ट्स और स्ट्रीम्स आर्टिफिशियल वाटरफॉल एंड क्लिप्स हेज द फ्लावरिंग एनुअल द मेन स्टाइल्स ऑफ इंग्लिश गार्डन केम इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द 19th century विच स्टूडेड द आर्किटेक्चर पिक्चर्स। इसके अंदर बताया कि जो एक जो ये इनफॉर्मल गार्डन तैयार करने का इंग्लिश गार्डन में मेन रीजन यही है कि उसमें एक नेचुरल सुंदरता बनाने के लिए इसके अंदर फ्लावरिंग एनुअल्स जो एनुअल फ्लावरिंग है उनको तैयार किया गया उनके अंदर ग्रो किया गया और इसके अंदर कुछ मतलब 19th century के अंदर उसमें कुछ आर्किटेक्चर पिक्चर्स को भी लाया गया था मतलब एक नई नई कला को देखा गया इसके अंदर जिसके अंदर ट्री प्लांट्स के जो ट्री के जो जितने भी ग्रुप्स हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स को तैयार किया गया मतलब जिनकी एक नेचुरल प्लांट्स को ग्रो कर ट्री प्लांट्स को प्लांटेड किया गया इसके अंदर और जो कर्व पात उसके जो पेत पाते उनको भी इसके अंदर रखा गया है। इसके अंदर और हम बात करते हैं मेन फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन के इसके अंदर लॉन और मिक्स बॉर्डर स्पेशल ऑफ द हर्बेसियस एनुअल और इसके बाद में एज वेल एज हर्बेसियस पेरेनियल। इसके बाद में द सर्वरी एंड रॉकी गार्डन मतलब इसमें बहुत से इस टाइप के मतलब कंसिस्ट जोड़े गए हैं बहुत से पिक्चर्स हैं जो हर्बेसियस एनुअल्स हर्बेसियस पेरेनियल्स और मिक्स बॉर्डर्स जिसमें लॉन कई ऐसी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी गई हैं रॉक्स गार्डन कई ऐसे। इसके बाद इंग्लिश क्लाइमेट सूटेड द एडमिरेबल्स वेल फॉर द ग्रोथ ऑफ हर्बेसियस एनुअल्स दिस प्रोमोट देम द एवल एंड द लार्ज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एनुअल्स एज वेल एज द कलेक्ट द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर बताया कि जितने भी वर्ल्ड से लगभग जितने इसमें के पूरे विश्व से लगभग इसमें एनुअल फ्लावर की जो प्लांट्स थे उनको कलेक्ट किया गया और इससे इसके अंदर जो लार्ज नंबर के जो हाइब्रिड लार्ज नंबर में जो हाइब्रिड संग हाइब्रिड जो एनुअल फ्लावर हैं उनको उनके अंदर प्रमोट किया गया मतलब उसके अंदर ग्रो किया गया। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग एनुअल्स दैट दिस सी टुडे इन द इंडियन गार्डन विद फ्यू एक्सेप्शन ऑफ अमरेंथस बालसम गॉम्फ्रेना मेरीगोल्ड एक्सेट्रा वियर द ब्रॉड एयर बाय द ब्रिटिश। इसमें बताया जितने भी फ्लावरिंग हैं जैसे उसके अंदर बताया कि अमरेंथस बालसम गॉम्फ्रेना मेरीगोल्ड जितने भी फ्लावरिंग हैं ये सबको ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। इसमें द जापानीज गार्डन के अंदर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट है द पर्सियन एंड द जापानीज गार्डन डिजाइन वेयर द बेस ऑन देयर रेस्पेक्टिव आइडिया ऑफ हेवंस। ये दो जितने इसके अंदर बताए जो जापानीज गार्डन के अंदर बता रहे हैं कि जो पर्सियन गार्डन और जो जापानीज गार्डन की जो डिजाइन है वो सेम जो स्वर्ग से सम्मानित है मतलब उसके सेम जो स्वर्ग के अंदर जो गार्डन है उससे रिलेटेड बताया गया है। इसमें द वन मोस्ट एडमायरेबल फीचर्स ऑफ जापानीज गार्डन इज दैट द वाइल्ड अदर मेजर स्टाइल ऑफ गार्डनिंग ऑफ वर्ल्ड चेंज रेडिकली एंड द फॉलन इनटू द डिश फ्लावर्स एंड द जापानीज कंटिन्यूस दिस सेम स्टाइल्स
फॉर सेंचुरी बट स्टिल द रिमाइंड पॉपुलर दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू द स्पेशल रिलेशंस ऑफ द जापानीज गार्डन टू द नेचर्स। इसके अंदर बताइए जापानीज गार्डन की जो एक कला है, नेचर है, मतलब उसकी जो नेचुरल सजावटी है वह किससे रिलेटेड है, एक स्पेशल अट्रैक्टिव मतलब उसकी कुछ आकर्षिता उसकी एक कला के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें बताया कि जो उसके डिश फ्लेवर्स एंड द जापानीज इंटेक्सियम स्टाइल्स फॉर द सेंचुरी, जो जापानीज गार्डन की जो स्टाइल बहुत ही एक नेचुरल टाइप की बताई गई इसके अंदर भी। अब इसके बाद बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग ऑफ द जापानीज गार्डन इज ए पॉसिबली देट दी अनलेस द गार्डन इज ए एयर ऑफ पीस ऑफ इट इट द नॉर्थ और इन द प्लेस विजिटिंग इट्स शुड बी ए प्लेस वेयर द माइंड फाइंड रेज द रिलेक्शन ऑन द। और इसके बाद द जापानीज गार्डन विच आर प्लान विद सो मच द अब्रॉड अपियर सो कॉजेस दैट दे डोंट नो अफ्रियल टू मैनी पीपल्स। जो बहुत से लगभग बहुत से जो पीपल्स हैं मैनी पीपल्स अपील हुआ उसके अंदर, मतलब उसमें बताया कि कहीं जापानीज गार्डन के अंदर जो एक प्लान जो प्लान थी तैयार मतलब जो प्लान तैयार किया गया था उसमें कई लोगों को दिखाने के लिए कुछ कलाओं को रखा गया है। इसमें द अनदर स्ट्रॉन्ग बेसिस द जापानीज गार्डन इज इज द इमिटेबिलिटी। एग्जाम्पल के अंदर बताएं द एक्सेप्ट दैट इज द एक्सेप्ट सम सीजनल चेंज इन द डेसिस्टी जापानीज एंड द जापानीज गार्डन हार्डली गोज थ्रू एनी स्ट्रॉन्ग द अदर स्ट्रॉन्ग द विजिबल चेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। इसमें बताया कि जो जितने भी सीजनल प्लांट हैं, सीजनल प्लांट जितने भी एनुअल प्लांट्स विंटर प्लांट्स जो एनुअल प्लांट्स के अंदर समर प्लांट्स विंटर प्लांट्स एंड द जो पेरिनियल प्लांट्स जितने भी प्लांट्स के अंदर इसके अंदर बात कर रहे थे इसके अंदर उसमें जो और इसके बाद एनुअल प्लांट के बाद में इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो फ्लावरिंग ट्री होंगे जैसे डेसिडियस ट्री प्लांट कई ऐसे प्लांट्स को जापानीज गार्डन के अंदर ग्रो किया गया जिनसे उनकी जो गार्डन की एक सुंदरता मतलब उनकी कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए यह एक नेचुरल ग्रो किया गया। इसके बाद इम्यूटेबिलिटी एंड एक्चिव आल्सो द बिकॉज रेदर देन द ग्रैंड मिक्सचर ऑफ फ्लावरिंग श्रब्स ट्री मोर एम्फेसिस इज द प्लेस ऑन द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज द सिंपल पाथ ग्रुप ऑफ रॉक्स स्टेपिंग स्टोन्स स्ट्रीम्स एंड द वाटरफॉल्स ब्रिज स्टोन्स लैंटर्न एंड सोयन। इसके अंदर बताया कि जितने भी उसके अंदर जो एलिमेंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या उसके अंदर होना ज़रूरी है इस जापानीज गार्डन के अंदर, तो इसमें जो इसकी कला को देखते हुए इसमें कुछ मिक्सड फ्लावर श्रब्स ट्री कुछ एम्फेसिस प्लेस जैसे कि इसमें नेचुरल एलिमेंट्स होना चाहिए किस टाइप से कि इसमें सिंपल पाथ होना चाहिए और जो रॉक्स ग्रुप रॉक्स होना चाहिए इसके बाद स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए मतलब इसके बाद स्ट्रीम होना चाहिए स्ट्रीम मतलब उसके कुछ जो वाटरफॉल के लिए स्ट्रीम्स होना चाहिए वाटरफॉल एंड ब्रिज होना चाहिए इसके बाद स्टोन्स लैंटन पत्थर से बना हुआ कुछ कलश टाइप का डिजाइन में उसके अंदर प्रदर्शित किया गया है एंड सो ऑन। इसके अंदर है कि एंड द जापानीज गार्डन द ट्रीज एंड द कैप्चर द नेचर स्क्रीन मतलब उसमें जो जापानीज गार्डन की जो एक सजावटी है वह किस टाइप की है उसे एक नेचुरल डिजाइन में कैप्चर की गई है एंड द इमेचर एंड द लैंडस्केप भी लैंडस्केप के अंदर बहुत ही आकर्षित करती हैं। दी ट्री एलिमेंट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अचीव दियर ऑब्जेक्टिव विद वाटर स्टोन एंड प्लांट्स द इसके अंदर लॉ स्कल्पचर द बोस एंड द ट्रेन ड्रॉ ट्री लुक वेरी अट्रैक्टिव इन जापानीज गार्डन। इसके अंदर बताया कि जो जापानीज गार्डन की जो लैंडस्केपिंग डिजाइन है उसके अंदर ड्वार्फ ट्री को ही सबसे ज़्यादा लुक दिखाए गए हैं जो उसके जो गार्डन की अट्रैक्टिव के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ गार्डन जो जापानीज गार्डन के जो टाइप्स हैं। फर्स्ट है हिल गार्डन। हिल गार्डन के अंदर बात करते हैं दिस टाइप ऑफ नॉन एज द जापानीज इसे जापानीज गार्डन के नाम से इस वजह से जानते हैं हिल गार्डन। जो हिल गार्डन है यह एक जापानीज गार्डन की एक स्टाइल है जिसका नाम है ट्योशिकियामा नीवा
मीन्स हिल एंड वाटर, जिसका मीन्स होता है, जिसका अर्थ निकलता है हिल्स पहाड़ी और जलवायु मतलब वायु हवा पानी, इसके अंदर की जो हिल्स एंड द वाटर के अंदर इसका मीनिंग रखा गया है। दी हिल्स वाटर द हिल्स गार्डन इज द मेड अप द वन मोर हिल्स डिजाइन विद द अर्थ माउंट एंड द एक्सपोज वेदर स्टोन्स। इसके अंदर बताया कि जो जो हिल गार्डन है ये वन टू वन या मोर हिल्स से की डिजाइन से तैयार किए गए हैं, जिसमें अर्थ माउंट और इसके बाद एक्सपोज वेदर स्टोन, जिसमें वेदर स्टोन से भी जुड़ा हुआ है ये हिल गार्डन। दी अदर द फीचर ऑफ दिस गार्डन द एरिया वाटर इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम और पॉन्ड और वाटरफॉल और ऑल द ट्री थ्री विद और विदाउट आइसलैंड एंड आल्सो ब्रिज। और इसके अंदर बताया जिसके जो अदर फीचर्स के अंदर बात की थी, ये जो गार्डन एरिया किस टाइप से होना चाहिए, कि इसके अंदर कुछ पौंड होना चाहिए, वाटरफॉल और इसके अंदर स्ट्रीम्स, इसके बाद जो इसके अंदर कुछ आइसलैंड होना चाहिए, इसके कुछ मतलब आइसलैंड मतलब द्वीप होना चाहिए, और विदाउट ब्रिज मतलब इसके बिना और बिना ब्रिज का कुछ लैंटर्न जो लैंटर्न जो क्या होता है ना पत्थरों से बना हुआ मतलब कुछ स्टोन से बना हुआ सजावटीदार कलश स्टोन्स एंड ट्रीज कुछ ऐसे टाइप के एक इस टाइप की डिजाइन वाले एलिमेंट्स उसके अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। द इम्पोर्टेंट द पॉइंट द गार्डन आर द डेकोरेटेड विद स्टोन्स एंड द सेलेक्टेड ट्री। जो इसकी जो जो डिजाइन है जापानीज गार्डन का जो पार्ट है हिल गार्डन का जो इसकी जो डेकोरेट करने के लिए उसके अंदर स्टोन जो पत्थर्स एंड द सेलेक्टेड ट्री के द्वारा उसको अट्रैक्टिव किया डेकोरेट किया गया है। बट द पाइन ट्री माई बी प्लांटेड गिव द इफेक्ट एंड द ब्रिज स्ट्रिप इन बाय द विंड। जो इसमें बताया जो विंड की है जो हवा की जो विंड की स्ट्रिप को कम करने के लिए इसके अंदर कुछ नेचुरल प्लांट को ग्रो किया गया, जैसे कि पाइन प्लांट होते हैं, जो पाइन के जो ट्री प्लांट होते हैं उनको प्लांटेड किए गए हैं जो विंड के इफेक्ट को कम करने के लिए। इसमें द अनट्राइम्ड द स्टेप स्टोन्स एंड आर द प्लास ओवर द वॉक एंड द आइसलैंड इज जनरली इज ए यूजुअल पिक्चर इन द हिल गार्डन। जो हिल गार्डन का जो मेन सबसे बड़ा एक पिक्चर्स क्या होगा इसका मेन आइसलैंड को सबसे ज़्यादा उसके अंदर जोड़ा गया है। इसके बाद फ्लैट गार्डन इज ए नेम द एम्प्लाई एंड हीरानीरा जो हीरानीवा के नाम से भी इसको एम्प्लाई किया गया है के नाम से भी इसको जानते हैं प्रसिद्ध हैं। एंड ऑन द प्लान द फ्लैट गार्डन आर द लेआउट इन द फ्लैट ग्राउंड में इसका अपने आप समझ में आ रहा होगा। हिल गार्डन हिल के एरिया में उसको डेवलप करते हैं मतलब उसको तैयार किया जाता है, लेकिन जो फ्लैट गार्डन है वो एक फ्लैट ग्राउंड में तैयार किया जाता है। इसका वैसे भी मीनिंग उसका कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें द फ्लैट गार्डन आर द सपोज एंड द रिप्रेजेंट द माउंटिंग वैल्यू और द मीडोलैंड, जिसका मतलब है कि जो फ्लैट गार्डन को सपोज करो कि उसको माउंटेन वैली के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो मीडोलैंड होती है मीडोलैंड मतलब इसका जो चारागाह की जो जगह होती है उसमें भी उसको अच्छे से उसको डेवलप कर सकते हैं। दिस द गार्डन वेयर द पॉपुलर ड्यूरिंग द ईरा ऑफ द मुरमाची इसका जो अबाउट दिन 1392 टू 1572 के आसपास में उसको डेवलप किया गया था, ये जब उसी समय से ये पॉपुलर हुआ था दिस गार्डन। इसमें है दी फेट गार्डन इज ए नॉन नेसेसरीली एट द फेट इज ए पैन केक एंड सीन इन द स्टमुलेट द माउंटेन वैल्यू लो राउंडेड हिल्स डिजाइन एंड द हेल्प स्टोन्स द अर्थ माउंट एंड बोथ विल लुक क्विट अप्रोप्रिएट इन द इन ए फ्लैट गार्डन। इसके अंदर बताया जो फ्लैट गार्डन जो एक आवश्यक रूप से ना आवश्यक रूप से ये एक पेन जो पेन केक का फ्लैट से के रूप में ये अनावश्यक है। इसमें है जो और ये एक ये स्टमुलेट किया गया उत्तेजित किया गया माउंटेन वैली में जो उसे स्टमुलेट किया गया है किसमें माउंटेन वैली के माउंटेन वैली में उसको स्टमुलेट किया गया है जो लो राउंड हिल की डिजाइन में तैयार किया गया था। और इसके बाद में जो किसके थ्रू यह डिजाइन तैयार की गई थी स्टोन्स के थ्रू जो स्टोन की हेल्प के थ्रू एंड और अदर द अर्थ माउंट से भी इसे अच्छा स्ट्रक्चर से उसकी डिजाइन को तैयार किया गया था।
इसके बाद में हम बात करते हैं टी गार्डन। टी गार्डन के अंदर बात कर रहे थे हम, इसमें बात थी पल एक तो हिल गार्डन, दूसरा है प्लेट गार्डन, तीसरा है टी गार्डन। जो इसके टी गार्डन के अंदर बात करें तो टी गार्डन इज ए ले आउट द बेस ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल एंड द कस्टम ऑफ द जापानीज टी सेरेमनी एंड हैंस नीड एंड कंसिडरेबल स्पेस ऑफ ए लिस्ट अबाउट द 20 स्क्वायर मीटर्स। इसके अंदर जो टी गार्डन का जो जो स्पेस है, इसकी जो लैंड की स्पेस की बात करते हैं तो 2 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती है, जिसके का जिस जो जापानीज गार्डन का एक मुख्य भाग है, मुख्य पॉइंट है गार्डन का। जो इसमें बताया कि जो ये टी गार्डन होगा, इसका जो लेआउट एक 200 स्क्वायर मीटर के लिए बहुत बेस्टफुल होता है। और इसका जो जो लेआउट है वो किस पे बेस होता है, प्रिंसिपल, उनकी सिद्धांत सर्टेन प्रिंसिपल पर, और कस्टम ऑफ द जापानीज टी सेरेमनी, जो जापानीज के कुछ सेरेमनी से रिलेटेड भी इसको प्रसिद्धि कुछ पॉइंट मिले इसके अंदर, मतलब उसके कुछ तरीका है डिजाइन तैयार करने का। इसमें सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्री सेरेमनी नीड द एटमोसफियर ऑफ द एनिमेशी, इट इज एसेंशियल दैट द गार्डन इज इनक्लोज्ड बाय द पेंस। जो ये गार्डन को तैयार करने के लिए ओनली ये पेंस जो झाड़ी टाइप का जो झाड़ी होती है, हेज होती हैं, उनसे इस गार्डन को क्लोज किया गया, मतलब तैयार किया गया है। बट द पेंस शुड बी रस्टिक एंड द मैच्योर विद द गेट मेड द वेरी लाइट मेटल सच एज द बैम्बो। जो उसके बाद में जो एंट्री गेट होता है, वो एंट्री गेट एक लाइट लाइट मेटल, मतलब हल्का मेटल जैसे कि बैम्बो से इस एंट्री गेट को तैयार किए गए हैं। इसके बाद टू प्रोटेक्ट द टी हाउस फ्रॉम द नॉइज ऑफ द आउट वर्ल्ड। और इसके बाद में जो उसको जो वर्ल्ड की जो बाहर की जो आवाज़ मतलब नॉइज आवाज़ आती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें टी हाउस को तैयार किए गए हैं, जिसे हम दो टू डिवाइड में उसको डिवाइड जिस मतलब इसमें द टी गार्डन आर द डिवाइडेड इनटू आउटर गार्डन, जिसको हम जिस ना सोटो रोजी के नाम से जानते हैं, और इनर गार्डन को ऊंची रोजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो डिवाइड में क्लासिफाइड किया गया है टी गार्डन को। फर्स्ट में बात करते हैं आउटर ऑफ द गार्डन, आउटर टी गार्डन। आउटर टी गार्डन को जिसे हम रोटो रोजी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि द आउटर ऑफ द गार्डन इज ए कंपैरेटिवली एंड नैरो एरिया, जो नीरो एरिया रखता है, एंड द वीज द वेटिंग द प्लेस वेयर द गेस्ट एंड द सपोज द वेट अंटिल द मास्टर ऑफ द हाउस एंड अपीयर्स ऑफ द वेलकम देम। मतलब ये जो आउटर मतलब बाहर का जो आउटर डी गार्डन होता है, वह एक वेटिंग रूम के वेटिंग रूम तैयार किया गया इसके अंदर, जिसमें वेलकम के लिए कोई गेस्ट आते हैं तो उनका वेलकम के लिए ये हाउस को तैयार किया गया है इस गार्डन के अंदर। इंदर गार्डन जो इंदर गार्डन होते हैं, उसके अंदर एक इंदर हाउस होता है रखा गया है, जो जो इसके अंदर बताया गया टी हाउस ऑफ द क्लासीफाई द क्लासिकल टाइम्स, जिसमें बताया कि जो जो टी हाउस होता है वह क्लासिक टाइम से भी पहले क्लासिकल टाइम से पहले भी ये कुछ नहीं था। इसके बाद बट द स्मॉल द एक्स्ट्रा हट विद द आउटसाइड वेटिंग प्लेस, इसके अंदर बताया कि जो स्मॉल जो टी स्मॉल से जो हाउस हैं वह एक एक्स्ट्रा से स्टार्ट से मतलब स्टार्ट रखा गया इसके अंदर भी। स्टार्ट मतलब एक मतलब जो घास फूस की जो झोपड़ी होती हैं उसको इससे ये तैयार किए गए हैं। आउटर एंड इसके बताया कि आउटर साइड द वेटिंग प्लेस, उसके साइड में ही आउटसाइड में इसका वेटिंग प्लेस भी रखा गया है, एंड द स्मॉल साइड द रूम फॉर द वॉशिंग एंड द अटेंसिल, जो अटेंसिल्स मतलब होगा उसके जो एक स्मॉल साइड जो स्मॉल साइड जो रूम होगा, एक छोटा सा रूम होगा जो किसके लिए वॉशिंग के लिए, मतलब जो कुछ अटेंसिल जो कुछ बर्तन से रिलेटेड कुछ जो उनको वॉश करने के लिए ऐसा स्मॉल रूम रखा गया है। एंड द मेन दी सेरेमोनियल एंड टी हाउस इटसेल्फ हैविंग द कैपेसिटी टू एकोमोडेट ओनली 5 persons, जिसके अंदर 5 persons मतलब 5 persons कुछ भी मतलब जो 5 persons ओनली जो उनको एकोमोडेट कर सकते हैं उसके अंदर कैपेसिटी के बेसिस पर। इसके बाद ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर द एंट्रेंस एंड द टी हाउस एंड द वाटर बेसिन एंड वेल्स
इसके अंदर बताया, इसका जो मेन इंपॉर्टेंस फीचर्स के अंदर बात करते हैं तो जो टी हाउस का वाटर बेसिन है उसके अंदर कुछ वाटर बेसिन बना हुआ है या फिर कुछ वेल्स, कुछ कुएं, बोथ ऑफ द विजिटर एंड इसके अंदर दिए द पेस बिफोर एंट्री फॉर द सेरेमनी, जो मतलब सेरेमनी को, सेरेमनी के लिए जो उसकी एंट्री करने के लिए उसका पेस कुछ विजिटर फॉर में तैयार किया गया है। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे पेसिंग गार्डन। पेसिंग गार्डन के अंदर बात करते हैं कि जो दी पेसिंग गार्डन, द पेसिज गार्डन, द रोजी वीर, इसमें द रोजी नीरा आर दोज वीज द लेआउट द नैरो पेसेज एंड फॉर द एग्जाम्पल द नैरो स्पेस बिटवीन टू हाउस, टू हाउस एंड अप्रोच टू बिल्डिंग। इसमें जो बिल्डिंग के अप्रोच में ही ये दो कमरे को तैयार किया गया है। इसके अंदर इसमें है एज दी सच सच एरिया इज द जनरली नैरो, जो ये परमानेंटली मतलब ये एक जो ऐसा एरिया जो नैरो नैरो एरिया में उसको लेआउट को तैयार किया गया है। इसके बाद में है और इसके बाद जो लेआउट शुड बी सिंपली एंड दी नो ओवर क्राउडेड, ऐसे जगह पर ये लेआउट तैयार किया जाता है जहाँ पर कोई क्राउड एरिया मतलब नहीं होता है, जहाँ पर कोई मतलब शांति मतलब वैसे शांति जगह पर मतलब एकदम क्वाइट जगह पर उसको तैयार किया जाता है क्राउडेड एरिया में। उसके बाद में इन सच द गार्डन दीज शुड बी द हार्डली एंड दी ऑर्नामेंटल सच इज द लैंटर्न बेसिंस एंड अदर मैन मेड फीचर्स एंड कॉमन फीचर्स ऑफ द पेसेंट गार्डन आर थ्रू की रॉक्स स्लैब्स ऑफ स्टोन्स एंड ओनली कपल ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कई इसमें कई विभिन्न टाइप के मतलब ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर जोड़े गए हैं। इसके बाद हैं बूसी श्रब्स एंड ट्रीज आर द अनसुटेबल इन द पेसिंग गार्डन, इसके अंदर बताया जो श्रब्स होंगे बूसी श्रब्स ट्रीज आर ऐसे इस टाइप के पेसिंग गार्डन के अंदर नहीं रखे गए हैं, मतलब अनसुटेबल है। उसके अंदर तो ओनली रॉक्स श्रब्स स्टोन्स ऐसे कुछ ऐसे नेचुरल डिजाइन बनाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सैंड गार्डन। तो सैंड गार्डन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ दी सिंपली स्टाइल ऑफ गार्डन थ्रू नॉट लाइक्स बाय मेनी एज इट द टोटली डिवॉइड ऑफ प्लांट्स द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग टू द अरेंज फ्यू वर्टिकल्स एंड द पोस्ट्रेट स्टोन्स इन ग्रुप ऑफ टू और थ्री एंड टू फिल इन गैप बिटवीन द स्टोन्स विथ फाइन वाइल वाइट ग्रेवल्स। इसके अंदर बताया जो सैंड गार्डन का मतलब भी आपको इसको समझ में आ रहा होगा, जो जिस जगह पे ज़्यादा सैंड होती है जो जो ऐसे सैंड एरिया में ऐसे गार्डन के जो स्टाइल को तैयार करना जिसके अंदर लगभग दो से जो स्टोन्स का जो जो पोस्टेट स्टोन्स होता है उसका जो दो या दो से तीन दो या दो या तीन कुछ ऐसे ग्रुप के स्टोन्स से उसको फिल करते हैं गैप बिटवीन दी स्टोन्स, जो 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 बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है उनके बीच में फिर उसको सैंड से स्टोन करते हैं स्टोर करते हैं। उसके बाद ग्रेवल्स एंड द रैक्स इन द मोस्ट सिंपल पैटर्न सिमिलर इन द रिवर्स फ्लावरिंग वाटर्स, इसके अंदर उसमें बताया कि जो फ्लावरिंग वाटर का फ्लावरिंग करते हैं रिवर्स के थ्रू उसके अंदर एक सेम टाइम सिंपल टाइम से। इसके बाद द रैकिंग हैज द रिपीटेड ऑफ्टन दे कीप द गार्डन एंड इट्स द बेस्ट शेप्स दिस स्टाइल ऑफ गार्डन लुक द प्लेजेंट एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन द कन्फाइंड एंड द लिमिटेड एरिया, वो ओनली ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लिमिटेड एरिया के अंदर ही उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और जिससे प्लेजेंट मतलब कुछ टाइप लुक दिखा सकते हैं गार्डन का। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि द फीचर्स ऑफ जापानीज गार्डन, जो जापानीज गार्डन की जो फीचर्स हैं मतलब उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे किस किस टाइप के उसके फीचर्स में कि पौंड पहला उसका जो पौंड के अंदर बात करते हैं जो पौंड का जो साइज होता है ज्योमेट्रिकल शेप होता है इसके डज नो द लाई ऑफ इन द जापानीज ट्रेडिशनल एंड हेंस ऑल द पौंड्स आर द इग्लो शेप। इसके बाद जो और जितने भी पौंड्स होंगे वह इरेगुलर इरेगुलर शेप होंगे। उसके बाद में द बैंक आर द जनरली बॉर्डर विद द स्टोन फिलिंग्स हैं,
जो इसकी जो वहाँ जो वेल्स जो कुआ होगा, मतलब जो पॉन्ड्स की बात कर रहे थे हम, जो पॉन्ड होगा, जो पॉन्ड की जो बैंक किनारा होगा, मतलब उसका बैंक्स होगा जनरली, वह बॉर्डर किससे होगा, स्टोन फिल्म से, वर्क इन द रेगुलर और इन द इरेगुलर फैशन से। इसके बाद में दी इन ऑर्डर डे द बॉटम यूज टू बी मेड एम्फ्रियस बाय फूडलिंग क्ले, बट नाउ ए डे द कंक्रीट बॉटम पॉन्ड आर आल्सो यूज एंड द पॉन्ड आर जनरली फिट बाय स्ट्रीम्स और वाटरफॉल। इससे क्या होगा, जो पॉन्ड तैयार करते हैं तो उस पॉन्ड को जब उसका पॉन्ड के अंदर बनाने से पहले उसके अंदर कुछ विचार करते हैं कि इसकी किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, कि इसके अंदर उस जो पॉन्ड होगा पॉन्ड के अंदर उसमें कुछ वाटरफॉल और कुछ स्ट्रीम्स को भी जोड़ा जाता है जिससे उसकी डिजाइन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। स्ट्रीम के अंदर बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, तो स्मॉल स्ट्रीम आर द अरेंज मोस्ट नेचुरली, जो एक जो स्ट्रीम होते हैं ये भी एक नेचुरल नेचुरल स्टाइल की तैयार, मतलब गार्डन की स्टाइल तैयार करता है जिससे वह एक नेचुरल स्टाइल उसके अंदर लुकिंग दिखती है। इसमें द विद द नेचुरल स्टोन्स बॉर्डर एंड द बैंक्स एंड फ्लावरिंग ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम माई बी मैनिपुलेटेड बाई द चेंजिंग एंड द इंक्लेनेशन, समटाइम इट माई बी पास्ट एज ए माउंटिंग रिवर एंड द लाइक द स्मूथ फ्लावरिंग रिवर ऑफ द प्लांट्स। जो इसके अंदर जो इसके होगा जो जो स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम के जस्ट ही बैंक किनारे पर उसके अंदर कुछ स्मूथ फ्लावरिंग को भी प्लांटेड करते हैं, उसके अंदर ग्रो करते हैं जिससे उसकी जो स्ट्रीम की जो डिजाइन होगी वह कुछ अलग ही लुक में प्रतीत होगी। अब वाटरफॉल की बात करते हैं, वाटरफॉल दी इसके अंदर प्रजेंट ऑफ द वाटरफॉल इन द जापानीज गार्डन इज अनदर स्टैंड इन दी इमिटिंग नेचर्स, द वाटरफॉल माई बी मेड मोर इफेक्टिव बाई द मैनिपुलेटिंग इज टू ड्रॉप इन टू टू और थ्री लेवल में। जो इसके बाद में दी मेक दी वाटरफॉल द डिजाइन द नेचुरल लार्ज साइज स्टोन्स आर द अरेंज अराउंड देम एंड दी डैंस द प्लांटिंग ऑफ द वेरी ग्रीन अराउंड द वाटरफॉल ऑल्सो सिम्बल्स द माउंटेन स्कैनरी एंड वेयर दी एक्चुअली द वाटरफॉल नेचुरल बिलोंग्स। जो वाटरफॉल की हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा, जो रनिंग ऑफ वाटर को फ्लो होना, इसमें जो इससे क्या दर्शाता है, जो वाटरफॉल्स हैं एक नेचुरल नेचुरल अट्रैक्टिव के लिए ये गार्डन भी बहुत ही प्रसिद्धि में बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब इसके अंदर वाटरफॉल माई बी मेड मोर इफेक्टिव मैनिपुलेटिंग द ड्रॉप, जो इसमें जो वाटरफॉल जब जब अपर साइड से जो लो साइड में जब वाटर फ्लो होता है तो इससे एक नेचुरल नेचुरल जो गार्डन की जो स्टाइल है वह एक नेचुरल प्रदान करती है, नेचुरल लुक दिखाती है। इसके बाद फाउंटेन की बात करते हैं, जो फाउंटेन इसमें द फाउंटेन नेचुरल फाउंटेन आर द प्रोवाइडेड नियर द फुट ऑफ द हिल्स, जो हिल्स के जो फुट हैं फुट में के नियर ये प्रोवाइड करता है फाउंटेन, जिससे क्या होगा ऑन द हिल साइड और इन द फॉरेस्ट इसके ऑप्टन वाटर इज द कन्वेक्ट फ्रॉम द हिल साइड्स बाई मीन द बैम्बो रिप, जो बैम्बो रिप के थ्रू ही ये हिल साइड्स में वाटर को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये फाउंटेन का काम करती है, मतलब जिससे फुहारा बनता है। वेल्स की बात करते हैं, जो कुछ छोटे छोटे वेल्स को ये इसके अंदर बाद द ओल्डेस्ट है वेल इन द गार्डन द वेयर फीचर ऑफ द यूटिलिटी इन मॉडर्न टाइम दिस फीचर इज मोर इन द नेचर ऑफ द ऑर्नामेंटल देन ए यूटिलिटी। इसके बाद द वेल माई बी स्क्वायर सर्कुलर एंड द क्रिस क्रॉस इन शेप एंड द फ्रेम इज जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन। जो वेल्स आपने भी देखा होगा कुए, छोटे छोटे जो कुए होते हैं वह जो बा जो नए नए स्ट्रक्चर के जो डिजाइन के जो बा गार्डन होते हैं उनके अंदर कुछ वेल्स भी रखे गए हैं जिनसे वह एक नेचुरल स्टाइल में तैयार किए गए हैं। इसमें जो इसके अंदर इसको जो वेल्स होते हैं उसके अंदर ये मॉडर्न टाइम के अंदर की बात करते हैं तो इसमें जो नेचुरल ऑर्नामेंटल प्लांट्स उसके साइड किनारों पर उसको यूँ लगाया जाता है ग्रो किया जाता है जिससे
जो वेल्स होगा, वेल्स का जो साइज भी एक स्क्वायर या सर्कुलर साइज का रखा गया है इसका शेप, जिससे उसका जो कंस्ट्रक्शन किससे बना रहता है, स्टोन से। इसके बाद में आइसलैंड्स, और आइसलैंड्स के बाद में है विंड स्विप आइसली एंड इसके बाद मास्ट आइसली। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज, जो भी ये जापानीज गार्डन के कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें ब्रिज के अंदर बात करते हैं। दीज आर द यूज टू रीच इन द आइसलैंड फॉर द क्रॉसिंग एंड द स्ट्रीम। इसके बाद ब्रिज माई बी मेड ऑफ स्टोन्स पॉलिश एंड अनवर्क अर्थ वुड एंड अदर मेटेरियल। मतलब जो ब्रिज तैयार किया जाता है, किससे तैयार होता है ये, इसका जो स्टोन्स हैं पॉलिश एंड द अर्थ एंड वुड्स हैं एंड कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ जो सैंड स्टोन्स कुछ ऐसे मटेरियल से भी ये ब्रिज तैयार किया जाता है, जिससे इसकी एक कुछ कलात्मक और आर्टिकल्स डिजाइन भी तैयार करते हैं इसके अंदर, कुछ नेचुरल डिजाइन की भी उसके अंदर दिखाया जाता है कला। जापानीज कंसीडर द ब्रिज इन द नॉर्थवेस्ट की क्रॉसिंग एंड द वाटर वेज एंड दी एंड इज दी प्रोलॉन्ग क्रॉसिंग टाइम। उसके बाद में इसमें बताया जो ब्रिज तैयार करने का उसका मेन क्या काम है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये एंट्री करने के लिए ये वाटर जो वाटर फ्लो होता है गार्डन के अंदर, उसमें एक जगह से दूसरी जगह के लिए फ्लस करने के लिए जी रहता है। इसके बाद वाटर बेसिन, जो वाटर बेसिन होता है इसके अंदर बात करते हैं कि द वाटर बेसिन आर द पिटेड नियर दी हाउस मेटल फॉर द गेस्ट टू राइज। जो वाटर बेसिन का मेन काम है, मेन कार्य क्या होता है, इससे क्या होगा जो गेस्ट होंगे, गेस्ट के लिए जो हाउस के जस्ट नियर ही है उसको पिट किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है वाटर प्रूफ को। जो इसमें द माउथ एंड द वास दी हैंड, जो वाटर बेसिन के अंदर उसके अंदर कुछ हाथ मुंह और कुछ हैंड वैंड कुछ उसका वास कर सकते हैं इसमें। बट दी प्रजेंट डे द बेसिन हैव द बिकम द नथिंग एंड ऑर्नामेंट ट्री, जिसमें क्या होगा, लेकिन जो अभी प्रजेंट डे में तो इसके जो बेसिन होगा किनारा उसके आसपास में इसमें कुछ मतलब ऑर्नामेंट प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोन लैंटर्न्स। स्टोन लैंटर्न्स मतलब जो कुछ जो पत्थर से बनी हुई कुछ डिजाइन, नई नई डिजाइन की कुछ तस्वीरें दिखी गई हैं, इसको बोलते हैं द स्टोन, जिसको एक कलश जैसा आकार दिखाई दे रहा है इसका। इसमें द स्टोन लैंटर्न्स ये दी इम्पोर्टेंट पिक्चर्स, ये गार्डन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर मानी जाती है जापानीज गार्डन के अंदर। यूजली स्टोन्स यूज दी ग्रेनिंग बट द सैंड, जो लैंटर्न तैयार किया जाता है स्टोन लैंटर, ये एक सैंड स्टोन से भी तैयार कर सकते हैं या कभी कभी जो वाइट मार्बल से भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे लास्ट में है स्टोन्स, कुछ स्टोन से भी नई नई जो एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं गार्डन की। स्टोन इसके अंदर स्टोन आर द सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू साइज शेप एंड द कलर के बेसिस पर उसको सेलेक्ट करते हैं, और नो स्टोन शुड बी डिस्प्रोपोर्शनेटेड एंड द साइज ऑफ द गार्डन दिस पिक्चर्स द राउंड, जिससे क्या होगा तो गार्डन की जो साइज में भी कुछ लुक दिखाई देता है, कुछ अट्रैक्टिव लुक। लाइक द लैंटर्न एंड द वाटर बेसिंस एंड द स्टोन आर द रियली प्लेस इन द आइसोलेशन बट द रेदर अरेंज इन द ग्रुप टू एंड द फाइव, ईच ग्रुप विल बी हैव द स्टोन्स इन द वेरियस हाइट शेप में, जो सबके अलग अलग साइज से होती है स्टोन की। इसके बाद हैं पेगोडास, जो पेगोडास के अंदर बात करते हैं द अनदर फेवरेबल फीचर्स ऑफ द जापानीज द लैंडस्केपिंग इज द स्टोन टोवर एंड टोवर एंड ओवर द पेगोडा विच इज द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग द टू थ्री फाइव एंड मोर सेपरेटली वुड स्टेज, जिसको पेगोडास के नाम से जानते हैं, जिसके जो स्ट्रक्चर होती हैं, जो इसका कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, यह लगभग टू थ्री या फाइव या फिर इससे भी ज़्यादा लुक में भी इसकी जो ग्रुप होती है वह एक लुक में मतलब दिखाई देती है स्टेज में। मतलब ये चार से मतलब तीन चार पाँच मंजिल का ये सेपरेट तरीके से मतलब उसको तैयार किया जाता है, मतलब ये स्ट्रक्चर को पेगोडा। इसके बाद में है पेंस एंड द गेट, जो पेंसेस होती है जो हर्ब्स होती हैं सर, मतलब सर जो सरक तैयार करते हैं, मतलब उसकी जो हेज तैयार करते हैं साइड किनारा के लिए एंड द गेट तैयार करते हैं वो किसे बैम्बो के थ्रू। इसमें है द फेंस इन द जापानीज गार्डन आर टू
टू टाइप, वन फॉर द पार्टीशन एंड वाइल द अदर ऑफ द इज फॉर द पर्पज इन द स्क्रीनिंग एंड विच कॉल द स्लीव टेंसेज एंड इसमें द लेटर टाइप इज सो नेम्ड एज द इज द शेप रिमेंबर्स दैट ऑफ द लेटर टाइप इज सो. इसमें है द लेटर एंड द लॉन्ग द स्लीव द लेडीज द किम्बोनो. और इसके बाद स्ट्रिंगिंग पेंसेस आर द मेड फॉर द कवरिंग समथिंग विच इज नॉट प्लेसेंट इन दिस साइट. इसके अंदर ये कि जो पेंस की जो एक डिजाइन तैयार करने के लिए इसमें बैम्बू के जो बैम्बू को तैयार बैम्बू को यूज किया जाता है, बैम्बू का यूज किया जाता है इसके अंदर. इसके बाद इसकी वेजिटेशन के अंदर बात करते हैं, जो कुछ फ्लावरिंग टाइप के प्लांट्स, कुछ नए नए टाइप के जो हर्ब्स श्रब्स और कुछ ट्री की भी उसके अंदर यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है इसके अंदर. इसके अंदर बात करते हैं जी वेरी ग्रीन प्लांट्स आर द रेंज ट्री आर ऑफ द परमानेंट नेचर्स. जो ऐसे ट्री को ग्रो किया जाता है जो परमानेंट नेचर प्रदान करता है, नेचुरल लुक दिखाता है ऐसे प्लांट्स को. एंड इसके बाद कपल पॉइंट गार्डन, इसके बाद पैन अगेन एंड हेजो, मतलब इस टाइप से वेजिटेटिव प्लांट्स को तैयार किया जाता है. वेजिटेटिव प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें एक तो वेरी ग्रीन प्लांट्स होना जरूरी है. वेरी ग्रीन प्लांट के अंदर हम पाइन्स प्लांट्स होंगे डिफरेंट स्पीसीज के. इसके बाद में इसके अंदर पोडोकार्पस होना चाहिए. इसके बाद में उसके अंदर जूनिपर्स चाइनिंग्स, इसके ऐसे वेरी ग्रीन प्लांट को उनके अंदर सेलेक्ट करते हैं. अब जो डेसिडियस प्लांट्स होते हैं तो डेसिडियस प्लांट के अंदर हम मैपलेस प्लांट्स को और पॉपुलर प्लांट को, इसके बाद में मलबेरी, ऐसे जैसे प्लांट ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको डेसिडियस प्लांट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं. फ्लावरिंग के अंदर बात करते हैं तो फ्लावरिंग के अंदर कुछ ऐसे कॉमन प्लांट्स होते हैं जैसे प्लांट्स को भी हम तैयार कर उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पाइनस स्पीसीज के और कुछ इसके बाद मैग्नोलिया प्लांट्स, जिससे भी ऐसे प्लांट्स को भी हम फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच.